हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे चैनल पकवानों के जायके में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पार्ले जी बिस्किट से चॉकलेट बर्फी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं पार्ले जी के दो बड़े पैकेट लिए हैं। उस बिस्किट को तोड़ लेंगे और सभी को पीस लेंगे। ये मेरा पीस गया, अब इसको छान लेंगे जिससे कि अगर बड़े कुछ टुकड़े रह गए तो वो निकल जाए, नहीं तो बनाने में दिक्कत आएगा। जैसे छान लेंगे तो मेरा छन गया है। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें आधा कप दूध डालेंगे, छोटा कप है बड़ा कप नहीं है। 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे हिलाते हुए, जिससे कि चीनी नीचे लगे नहीं। अभी जो बिस्किट का मिक्सर है उसको डाल दें और 2 टेबल स्पून से कोको पाउडर डालेंगे। ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। अब चॉकलेट एसेंस है उसको दो तीन ड्रॉप डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जो पार्ले जी के जो अपना टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो नहीं आएगा और पता नहीं चलेगा कि पार्ले जी की मिठाई बनी है। अब 1 चम्मच देसी घी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकना कर लेंगे डो को और निकाल के ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो जमने लगेगा। अब गैस फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें आधा कप दूध डालेंगे और 2 टेबल स्पून में चीनी डालेंगे। इसको मेल्ट होने तक चला के पकाएंगे। इसमें आधा कटोरी हमने मिल्क पाउडर डाला है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 कटोरी भर के नारियल का बुरादा वो डाल देंगे। ऐसे अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। जब डो जैसा बनने लगेगा तो 1 चम्मच घी डाल देंगे। कढ़ाई में जो किनारे लगा उसको सब निकाल के मिक्स कर लेंगे, खट्टा कर लेंगे। ये मेरा बन गया। अब गैस बंद करके कढ़ाई उतार लेंगे और इसे भी ठंडा करेंगे। फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 2 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून पानी डाल के हम शीरा बनाएंगे, 1 तार की चाशनी बनाएंगे। ज़्यादा नहीं करना, लगातार चलाते रहें। ये देखिए तार बनने लगे, लेकिन थोड़ा सा बाकी का सर अभी से 1 मिनट तक और पकाएंगे। अभी मेरा तैयार हुआ, गैस बंद कर देंगे। अच्छा, चॉकलेट वाला डो तैयार किया था उसको डाल देंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे जो चाशनी है पूरे डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। दबा दबा के सब तरफ से पलट पलट के अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स हो गया, देखिए कितना चिकना भी एकदम सॉफ्ट डो बना है। अब इसके 2 भाग कर लेंगे, रोके कढ़ाई से निकाल लेंगे। फिर 1 भाग की लेयर जिसमें हमको बर्फी जमानी है, हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया, उसमें देसी घी लगा लिया है और उसमें हम 1 लेयर लगा देंगे चॉकलेट वाले। अब इसके ऊपर जो कोकोनट के हमने बनाया था डो उसको लगा देंगे। धीरे धीरे करके अच्छे से मिलाएंगे, नहीं तो नीचे वाला जो डो है वो फैल जाएगा। ये 2 लेयर लगा दिया, फिर आधा जो हमने चॉकलेट वाला डो रखा उसको ऊपर डाल देंगे। ये मैंने 3 लेयर की बर्फी बनाई है। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि बीच में चॉकलेट वाला लगा दें, ऊपर नीचे कोकोनट का लगा दें लेयर। वाइट कंपाउंड है चॉकलेट का, उसको मैं ग्रेट करके डाल दूँगी ऊपर से। अब इसे 2-3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, तब सेट हो जाएगा, तब काटिए। मैं तुरंत काट के दिखा रही हूँ। इसको नाइफ से काट लेंगे, अपने मनपसंद आकार के जैसा आपको काटना है वैसी बर्फी काटिए। मैं स्क्वायर शेप में काटूँगी, अभी सॉफ्ट है इसलिए काटने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। अब फ्रिज में रखने के बाद काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। अब इसको पहले हाफ से कर लेंगे, कट कर लेंगे हम दोनों तरफ से, फिर कट कर लेंगे।
इसको पीस में निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम खाने में पता ही नहीं चलेगी। जब आप प्रचंड किसी को खिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने ये पार्ले जी बिस्किट से बनाया। इसे एक बार बना के ज़रूर खाइएगा और अपना कमेंट करके उनको बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।